ओम करणी मंगलम जग जननी मंगलम ओम करणी मंगलम जग जननी मंगलम ओम करणी मंगलम जग जननी। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। कक्षा दशमी विषय गणित, हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर बहुपद के बारे में कुछ जानकारी हासिल की थी। बहुपद क्या है और फिर रैखिक बहुपद क्या है और द्विघाती त्रिघाती इसके बारे में अध्ययन किया था। अब उसके आगे चलते हैं। उसके आगे क्या है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब हमारे को पता है कि बहुपद के अंदर जितनी अधिकतम घात होती है उतने उसके शून्यक होते हैं। तो द्विघाती है इसका मतलब दो शून्यक होंगे और दो शून्यक होने के बाद जो हम लोगों को शून्यक प्राप्त होंगे उस शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो देखिए हमारे पास बहुपद है, वो पहला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स और माइनस आठ। अब हमें नवीं कक्षा में भी सरल किए थे कई सवाल। अब हमारे को ये है वो माइनस दो एक्स है वो बीच का पद है और एक्स स्क्वायर और माइनस आठ ये बाहर के पद है यानी बाह्य पद कहते थे। अब हमारा जब द्विघात हो और तीन पद हो तो हम बहुपद को कैसे सरल करते हैं, तो उसमें सरल करने का तरीका यह है कि हम लोगों को दो संख्या ऐसी ढूंढनी है कि उस संख्या को जोड़ने पर बीच का पद प्राप्त हो जाए और गुणा करने पर बाह्य पदों का गुणनफल प्राप्त हो जाए। तो इसमें देखते हैं बीच का पद हमारे पास क्या है, माइनस दो एक्स। अब गुणा करते हैं तो बाह्य पदों का गुणनफल यहाँ कोई निशान नहीं है तो प्लस का है या माइनस का है। प्लस को माइनस से गुणा किया तो माइनस आठ और एक्स स्क्वायर, क्योंकि आठ को है एक्स स्क्वायर से गुणा किया तो माइनस के आठ एक्स स्क्वायर। तो ऐसी संख्या ढूंढ। अब हम देखिए यहाँ संख्या लिए कि चार और दो, ये तो चार दूने कितने होते हैं आठ। अब देखो गुणा, अब हमें चिन्ह का भी ध्यान रखना है। तो देखो अब यहाँ माइनस का दो एक्स है तो हमें इस संख्या को जोड़ते हैं तो माइनस का दो एक्स प्राप्त होना चाहिए और गुणा करने पर माइनस के आठ एक्स स्क्वायर प्राप्त होने चाहिए। तो देखिए अब जो मैंने संख्या लिखी है वो ठीक लिखी है या नहीं। तो यहाँ माइनस के चार एक्स और प्लस के दो एक्स, तो हम लोग देखते हैं कि पहले हम यदि चिन्ह में नहीं जाते हैं और ऐसे देखते हैं चार और दो में से यानी बड़ा कौन है, चार बड़ा है। अब देखते हैं कि चार के आगे चिन्ह कौन सा लगा है, तो यह ऋणात्मक है तो ये ऋणात्मक। अब ये ऋणात्मक है इसलिए ये माइनस का चार है प्लस का दो है तो किस चिन्ह का कितना ज़्यादा है, तो माइनस का दो ज्यादा है तो माइनस के दो एक्स और गुणा करता हूं तो प्लस इंटू माइनस माइनस और चार एक्स को दो एक्स से गुणा करता हूं तो माइनस का आठ एक्स स्क्वायर प्राप्त हो जाता है। तो जो हमने शर्तें थी वो सब शर्त यानी पालन कर रहा है, यदि कर रहा है इसका मतलब है कि हमें कितने पद प्राप्त हो गए, चार पद प्राप्त। अब चार पद प्राप्त होने के बाद दो दो के समूह बनाते हैं, दो दो पद, ये एक समूह है और ये आपका एक समूह। अब इस दो दो के समूह बनाने के बाद इसमें देखते हैं कि कॉमन क्या आता है, एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स में से तो क्या कॉमन आया, एक्स। एक्स स्क्वायर में एक्स का भाग दिया तो भागफल क्या है, एक्स। ये माइनस का माइनस, क्योंकि यहां प्लस है इसलिए प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस ही आएगा। अब देखिए यहां चार एक्स में भाग किसका देंगे, एक्स का देंगे, तो एक्स से एक्स कट हो गया चार।
अब देखो ये सम, अब ये प्लस के 2x माइनस के 8, तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, प्लस का 2, तो 2x में 2 का भाग दिया, x बार गया, ये प्लस ये माइनस, प्लस को माइनस से गुणा किया माइनस, और फिर 8 में 2 का भाग दिया, कितनी बार गया, 4 बार गया। अब हमारी शर्त है कि ये जो संख्या है वो समान आनी चाहिए, तो एक बार लिख दिया x माइनस 4 और एक बार लिख दिया x प्लस 2। तो बहुपद एफ एक्स के शून्य ज्ञात करने के लिए हमें शून्य ज्ञात करना है, तो एप जो बहुपद के बराबर होगा वो मान क्या होगा, शून्य। यानी शून्य का अर्थ है कि ये जो मान रखेंगे तो इसका उत्तर है वो शून्य है। तो x माइनस 4 बराबर 0, तो इसको पक्षांतर कर दिया, तो ये माइनस का है तो इधर आ गया, तो क्या हो गया, प्लस का। x प्लस 2 बराबर 0, तो ये प्लस का है इधर आ गया, तो क्या हो गया, माइनस के 2। तो हम लोगों का ये बहुपद यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य के वो 4 और माइनस 2 हमें प्राप्त हो गए। अब हमारे को शून्यकों और गुणकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है, तो हमारा एक मानक रूप होता है बहुपद के अंदर, और ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसको देखने से पता चल रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, ए होता है, और एक्स का गुणांक क्या होता है, बी होता है, सी अपना स्वतंत्र पद होता है। तो किसी भी बहुपद के अंदर इसके एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस मानक रूप से तुलना करेंगे, तो तुलना की एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, वो यहाँ कितना है, वो एक है। अब x का गुणांक क्या है, ये है माइनस बी, यानी x किससे गुणा है, और c स्वतंत्र पद है, तो c का मान कितना है, माइनस के 8 है। तो देखिए इसके अंदर a का मान 1, b का मान माइनस 2 और c का मान माइनस 8 है। तो बहुपद के गुणांकों और शून्यकों में हमें संबंध बताना है, तो हम लोगों ने कर लिया शून्यकों का योग, तो शून्य का हमारे पास क्या प्राप्त हुए थे, 4 और माइनस 2, तो इस दोनों को जोड़े तो ये कितना प्राप्त हुआ, वो 2 प्राप्त हुआ। अब शून्य का गुणनफल एल्फा इंटू बीटा, ये भी लिख सकते हैं, तो 2 शून्य का हमें प्राप्त हुए तो थे, तो 4 को माइनस 2 से गुणा किया तो प्लस माइनस माइनस, और 4 दुणी कितने प्राप्त हो गए, 8, तो माइनस के 8 प्राप्त। अब देखिए अब हम लोगों ने एल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग होता है वो माइनस बी बटे ए, यानी माइनस बी बटे ए का मतलब क्या है कि माइनस और एक्स का गुणांक, और बटे ए का मान क्या होता था, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए ये माइनस, बी का मान माइनस 2, ये 2 और एक, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो 2 में एक का भाग दिया 2। अब शून्यकों का गुणनफल एल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए, यानी सी बटे ए का मतलब है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणा, तो सी का मान कितना, माइनस 8, और एक का मान कितना, 1, तो माइनस 8 के अंदर एक का भाग दिया तो माइनस 8। तो हम कह सकते हैं कि बहुपदों के शून्यकों व गुणांकों के बीच जो संबंध है वो सत्य है। देखिए इसका पहले का पांचवा सवाल है, टी स्क्वायर माइनस 15, ये आपको बहुपद दिया गया। अब हमको इसको सरल करना है, तो यानी 15 तो दो वर्गों का अंतर बना लेते हैं, तो इस 15 आपको क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर करेंगे तो 15 ही आएगा, इसके मूल में तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं। अब देखो दो वर्गों का अंतर आ गया, अब हमारे सर्वसमी का है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए का मान क्या है या टी है, और बी का मान अंडर रूट 15 है, तो ए प्लस बी लिख दिया, ए माइनस बी लिख दिया। अब इसके दो शून्यक, तो t प्लस अंडर रूट 15 बराबर 0, तो t बराबर प्लस का इधर आया तो माइनस का अंडर रूट 15 हो गया। दूसरा हमारे पास था t माइनस अंडर रूट 15,
बराबर जीरो लिख दिया या माइनस का है, इधर आया तो प्लस का। तो हम लोगों के पास हमें दो शून्य प्राप्त हो गए, माइनस अंडरूट 15 और प्लस अंडरूट 15। अब हमें सत्यता की जांच करनी है कि शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग क्या है, ये दो हमें शून्य प्राप्त हुए, इसको जोड़ा है तो ये माइनस, ये अंडर रूट 15 प्लस और माइनस कर, तो ये है वो दोनों प्लस और माइनस की संख्या बराबर है, इसलिए क्या हो गया, शून्य हो गया। अब दोनों का गुणनफल अंडर रूट 15 गुणा और माइनस अंडर रूट 15, तो प्लस को माइनस से गुणा किया माइनस, अंडर रूट 15 को अंडर रूट 15 से गुणा किया तो 225, और 225 का वर्गमूल है वो है वापस वो 15 हो जाता है, तो वो प्लस माइनस माइनस और अंडर रूट 15 को माइनस अंडर रूट 15 से गुणा किया तो माइनस के 15। अब हमें है, हम लोगों ने वो पिछले सवाल में भी मैंने पूरा लिखा था कि बहुपद टी स्क्वायर माइनस 15 की तुलना मानक द्विघात ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी से करने पर, तो टी स्क्वायर का गुणांक ए होगा, टी का गुणांक बी होगा और सी स्वतंत्र पद होगा, तो टी स्क्वायर का मान यहाँ कितना प्राप्त होगा, एक, और यानी टी स्क्वायर का मतलब ए का मान। अब बी का मान है टी का गुणांक, टी का गुणांक कोई है नहीं इसलिए शून्य है, और सी स्वतंत्र पद है तो माइनस के 15 है। अब देखिए शून्य का योग अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, तो माइनस बी बटा ए, तो बी का मान कितना, जीरो है, और ए का मान एक है, तो जीरो में एक का भाग दिया जीरो, और अल्फा इंटू बीटा है वो क्या होता है, सी बटा ए, तो सी का मान माइनस के 15 है और ए का मान एक है तो माइनस के कितने हो गए, 15। तो अतः बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के मध्य जो संबंध हमें प्राप्त होगा वो क्या है, सत्य है। अब इसमें दूसरा सवाल है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः, यानी हमें अब इस प्रश्न के अंदर बहुपद ज्ञात करना, और हमें शून्यकों का योग दिया गया है और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। योग दिया गया है वो 1/4 है और गुणनफल है वो हम लोगों को दिया गया -1। तो माना एपेक्स एक बहुपद है जिसमें शून्यकों का योग 1/4 और गुणनफल माइनस। अब यदि हमें बहुपद ज्ञात करना है तो हम एक सूत्र के माध्यम से भी इसको है कर लेंगे, ताकि क्या है हम लोगों को परेशानी भी कम हो और ये याद करना पड़े, हालांकि ये सिद्ध भी कर सकते हैं। तो यानी के एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग एल्फा प्लस बीटा और एक्स, और प्लस शून्यकों का गुणनफल एल्फा इंटू बीटा। तो देखो के अब एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर रहेगा, अब शून्यकों का योग हमें कितना दिया गया है, 1/4 और एक्स को गुणा हो गया तो है हमने लिख दिया। अब देखो ये प्लस का प्लस और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया गया, -1, तो -1 लिख दिया। अब देखो इसको सरल करते हैं तो के, और यहाँ एक्स स्क्वायर आ गया -1/4x और प्लस माइनस का 1 हो गया। अब इसके अंदर क्या कर दिया, लसप पे ले लिया तो 4 लसप आया, तो अब यहाँ कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर के नीचे हर में कुछ नहीं है, 1 हो गया, 1 का 4 में भाग दिया 4 बार गया, और 4 को एक्स स्क्वायर से गुणा किया तो क्या हो गया, 4x2। अब माइनस का माइनस, 4 में 4 का भाग दिया 1 बार गया, और 1 को है वो इस एक्स से गुणा किया तो क्या प्राप्त हो गया, एक्स। अब यहाँ पर भी कुछ नहीं है, इसका मतलब है 1 है, और 1 का 4 में भाग दिया 4 बार गया, 4 को 1 से गुणा किया तो 4 हो गए। तो अब हमारा ये 4 है वो सब पदों के नीचे है, इसलिए ये 4 है वो बाहर कॉमन आ गया, तो के बटा 4, तो 4x2 माइनस एक्स और माइनस 4, तो यहाँ हमें बहुपद ये प्राप्त हो गया 4x2 माइनस एक्स माइनस 4, और जहाँ यानी के बटा 4 है वो हमारी क्या है, वास्तविक संख्या है। तो इस प्रकार से हमें यदि शून्यकों का योग दिया गया है और गुणनफल दिया गया है तो इस फॉर्मूले से हम यानी किसी भी बहुपद को यानी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने वो सवाल पढ़े हैं, और शेष सवाल आप लोगों को गृह कार्य के रूप में करना है।